ज़ेवर अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पिरामिड ट्यूब पे वेलकम कहता हूँ। आप अगर इस मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ज़ेवर चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फेवर, इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा औरत मौलवी और तवीज़ की। फेवर, एक मरतबा एक खातून एक मौलवी साहब के पास गई। मौलवी साहब को यह ऐसा तवीज़ लिख दें कि मेरे बच्चे रात को भूख से ना रोया करें। मौलवी साहब ने तवीज़ लिख दिया। अगले रोज़ किसी ने रुपयों से भरा थैला उनके सहन में फेंक दिया। खातून के शौहर ने एक दुकान किराए पर ले ली। कारोबार में बरकत हुई और दुकानें बढ़ती गईं और पैसे की रेल पेलो हो गई। इस दिन खातून की नज़र इस पुराने संदूक पर पड़ी जिसमें उन्होंने तावीज़ को महफूज कर रखा था। जानवी मौलवी साहब ने तावीज़ में क्या लिखा था, तो जैसे जैसे मैं उसने तावीज़ को खोल डाला, लिखा था जब पैसों की रेल पेलो हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छुपाने के बजाय कुछ ऐसे घरों में डाल देना जहाँ रात को बच्चों के रोने की आवाज़ हो।